कल हमारा 312 था, आज हमारा 10, और आज एक और जो पॉजिटिव आया है वो बलराज का कॉन्टेक्ट है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए ये हमारा पुराना ही कंटेनमेंट जोन है जिसके अंदर से ये केसेस निकले हैं, दूसरे कंटेनमेंट से कोई केसेस तो नहीं आए हैं। कोशिश यही है कि इसको फैलाव को हम रोक सकें। उसके अंदर आपके मीडिया के माध्यम से हम पुनः वापस सबसे अपील करना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, किसी को भी कोई भी सिम्टम्स हो तो उसको छुपाए नहीं, तुरंत चिकित्सा सलाह लें, तुरंत हमें फ़ोन कर दें, हमारे कंट्रोल में फ़ोन कर दें, मुझे फ़ोन कर दें। हमारी सीनियर टीमें लगातार उनके संपर्क में है, लगातार उनके घर जा रही हैं, लगातार उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपके घर में कोई सर्दी बुखार जहाँ पीड़ित तो नहीं है, तो उसमें पूरा सहयोग करें। और जब तक देखिए अभी जो निकले हैं केसेस, ये सारे परिवार के परिवार हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि आपस में नहीं मिला, अगर सोशल डिस्टेंस की पालना की जाती तो इतने केसेस निकलती ही थी। तो आप क्या व्यवस्था, चिकित्सा विभाग को जितने भी निर्देश राज्य सरकार द्वारा मिले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के जो निर्देश हैं, उनकी कड़ाई से पालना करते हुए जितना मैक्सिमम हम केसेस को आइसोलेट कर सकते हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या जो सिम्टोमेटिक हैं उनके रेंडम सैंपल्स लेके उनके भी नियंत्रित जांच करके ये व्यवस्था देख रहे हैं कि इनका और ज़्यादा फैलाव तो नहीं है। सर नंबर और फिगर की बात करें, क्षेत्र में देखिए फिगर्स के अंदर बात फिगर्स के नहीं है, बात केसेस के डिडक्शन की है। हम अगर सैम्पलिंग बढ़ाएंगे भी तो टेस्ट भी आएंगे, और आपको ये बता दूं कि अधिकांश ये जो है ये सिम्टोमेटिक हैं, तो बात फिगर्स की नहीं है, फिगर्स से डरने की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं, लोग अपने आप को आराम से ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो जो छुपाना और हम सब ठीक हैं, और ये प्रवृत्ति बार बार की लॉकडाउन को देखने जा रहे हैं, कर्फ्यू बिना काम के बाहर निकल रहे हैं, ये जब तक नहीं रोकेंगे जब तक काफ़ी हमें दिक्कतें आती हैं। सर कहाँ पे कितने मामले अब आए हैं और क्या? देखिए अभी जो मोची मोहल्ले के हमने 343 सैंपल्स लिए थे जिसमें 79 पॉजिटिव आए थे, नेक्स्ट जो बाकी थे वो नेगेटिव थे, तो वो नेगेटिव में से वापस रिसैम्पलिंग करें, उनमें से 10 पॉजिटिव आए हैं, और ये सारे के सारे हमारे क्वारंटाइन सेंटर में, फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में ही हैं। कुल कल हमारा 312 था, आज हमारा 10, और आज एक और जो पॉजिटिव आया है वो बलराज का कॉन्टेक्ट है। 123